हाय गाइस, वेलकम बैक टू मिशकास फैमिली चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। सो ऐसे करती हूँ, सो गाइस मैं हूँ मेरी छत पर और मैं आई हूँ रील्स बनाने के लिए। मैं तैयार भी रील्स बनाने के लिए हुई हूँ एंड मैं जस्ट तैयार हो रही थी नहा के, फिर मुझे लगा कि यार मैं कुछ रील्स बना लेती हूँ और उसके लिए मैं रेडी हुई। और पता है आपको, आज बहुत ज़्यादा ब्लेंडर हुआ मेरे मेकअप के साथ। ये देखो इस फॉल, मतलब लेस ने ना मुझे इतना परेशान किया, मतलब एक टाइम आया कि लास्ट अगर इसके बाद नहीं चिपकी ना तो मैं नहीं लगाऊंगी, बट फाइनली ये स्टिक हो गई है। और मैंने क्या किया, ग्लू को यहीं लगा के फिर इसको जमाया तो अच्छे से लग गई है। बट मैं आपको बता दूं, उसकी वजह से मेरा लाइनर फैल गया, बट मेरे को रील बनानी है। सो क्या होता है ना, मेकअप उतना क्लियर नहीं दिखता है जैसे वीडियो में दिखता ना, इतना क्लियर नहीं दिखता है। बाकी मेकअप कैसा लग रहा है मुझे बताइएगा कॉमेंट्स करके। मैंने बहुत फटाफट वाला मेकअप किया है, मैंने कुछ भी ऐसा खास नहीं किया कि मैंने इसमें बहुत सारे एफर्ट्स डाले हैं, कुछ भी नहीं, बिल्कुल जस्ट नेचुरल मेकअप जैसे बोल सकते हो आप वैसा किया है। बट यस, फ़ोन पे एंड ये सनलाइट की वजह से ना बहुत ओवर दिख रहा है। और अब मैं जा रही हूँ रील्स बनाने के लिए, मेरी वैशाली आ गई है मेरी हेल्प करने के लिए। और उसके बाद, अच्छा आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं? अगर नहीं कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, जाइए वहाँ पे फॉलो कीजिए और आपको वहाँ पे मेरी एक से एक रील्स देखने को मिलेंगी। एंड हाँ, ये साड़ी आपको याद नहीं हो तो मैं याद दिला देती हूँ, ये साड़ी मुझे मेरी ननंद ने दी थी, बड़ी वाली ननंद ने, मंस के चौक पर, मतलब मेरा चौक हुआ था ना जब, तब दी थी। उसके बाद आज मैं सेकेंड टाइम इसे पहन रही हूँ और पल्लू मेरे से डोंट नो कैसे बहुत छोटा ले लिया मैंने, बट चल जाएगा काम। कुछ देर के लिए ही तो पहनना है। चलो मैं मिलती हूँ आप लोगों को अब रील्स वगैरह बनाने के बाद। गाइज मेरी रील बन चुकी है और अब मैं जा रही हूँ नीचे। मैंने रील पता है इस पे बैठ बैठ के बनाई है। अब चलो हम नीचे चलते हैं, आ जाओ। ये है मेरी साड़ी का पूरा लुक, कैसी लग रही है साड़ी? आई थिंक आप लोगों को अच्छी लगेगी, कलर अच्छा लगेगा। वैसे आपको पता होगा येलो, ऑरेंज, रेड, ब्लैक, ग्रीन, ये सब हमारे फेवरेट कलर है, मतलब डार्क, तो इसलिए ये भी मुझे बहुत अच्छा लगा। चलो आ जाओ, बहुत सामान देना। हाय मेघा जी। हेलो विश्व जी। सो गाइज हम छत से आ चुके हैं और रील जो थी वो भी बना ली हैं। मुझे एक छोटा सा वीडियो और शूट करना है, लेकिन उसके पहले मुझे चाय पीनी है क्योंकि मेरा चाय पीने का बहुत तेज मन हो रहा है। मैं कान की पता नहीं क्यों निकाल रही हूँ, मुझे ज़रूरत नहीं है कान की निकालने की। अच्छा मैं आप लोगों को बता दूँ कि पापा जी नहीं है, मेरी जेठ जी की शादी है। और फिर कन्फ्यूजन हो उसके पहले मैं बता दूँ कि मेरे बड़े पापा के बेटे की शादी है, हमारे रिलेटिव्स में हैं वो, तो दैट्स वाई पापा चले गए हैं। मे बी शायद हम भी जाएंगे, लेकिन अभी पापा निकल गए हैं। सो वही है कि आज थोड़ा सा फ्री भी थे तो सोचा चलो रील वगैरह बना लूँ, अदरवाइज़ टाइम नहीं मिलता है, बिजी रहते हैं, पापा रहते हैं तो थोड़ी शर्म सी भी लगती है। बट इस टाइम पे क्या होता है ना, जैसे पापा रहते हैं तो हर चीज़ टाइम पे करनी होती है, और जब आप अकेले रहते हो ना तो फिर आपको ये टाइम का नहीं रहता है। आप सोचते हो कि चलो चाय का जो टाइम है, जैसे हमारे यहाँ 3:30 बजे है, तो जब मैं हूँ, बाबू हैं, तब हम मैनेज कर लेते हैं, क्योंकि हमारा ये ना काम है और हम उस काम को उस काम के तरीके से हम भी रम चुके हैं। लेकिन जब पापा रहते हैं तो फिर मैं ये नहीं देखती कि मेरा काम है तो भाई मैं उनको इस तरीके से जताऊं कि मैं अपना काम कर रही हूँ, मैं कभी नहीं करती ऐसा। और मैं यहाँ आती हूँ तो फिर मेरे लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये हो जाता है कि मैं यहाँ आई हूँ तो यहाँ की सारी जिम्मेदारियाँ अच्छे से निभाऊँ, क्योंकि मुझे यहाँ ज़्यादा दिन नहीं रहना है, जितने दिन भी रहना है अच्छे से सारा कुछ करूँ। और यस, बहुत अच्छे से कर भी लेती हूँ। वही होता है ना कि आप अपनी तरफ से एफर्ट्स डालती हो और अगर सामने से आपको वो रिस्पांस मिलता है कि हाँ आप एफर्ट्स डाल रहे हो, तो फिर वो अलग ही एक होता है ना, अलग ही खुशी होती है। चलो मैं एक में कान में पहनी हूँ, एक में नहीं पहनी हूँ, मैं दूसरे कान में पहन लेती हूँ। फिर चाय गर्म करते हैं, हम चाय पीते हैं और ऑब्वियसली मजदूरों को चाय देते हैं और फिर बर्तन निकालेंगे, बर्तन धोएंगे। चलो करते हैं। सो गाइज ये देखिए कि मैं मतलब तैयार हुई थी ना, तो मेरा पूरा रूम जो था वो फैल गया था। एक्चुअली मैं ना दो ही रूम हैं जो अच्छे से यूज़ में आ रहे हैं, बाकी पूरा घर तो यूज़ में आ ही नहीं पा रहा है अभी। तो
दो ही रूम मतलब भरे हैं सामान से, और जो पहला रूम है जहाँ पे पापा जी सोते हैं वहाँ पे हम लोग थोड़ा कम सामान रख रहे हैं, क्योंकि देखो कोई आ जाता है तो वहीं तो बैठ रहा है, फिर अच्छा भी नहीं लगता। सो आप देख रहे होंगे ना कि कितना ज़्यादा फैला हुआ है, बट मैं सारा समेट देती हूँ। मतलब ऐसे ही होता है जब आप एक ही कमरे में सारा सामान रखा रहता है तो फटाफट फैलता है, लेकिन हाँ ये है कि आप सफाई करते रहो ना तो ऐसा फैलान दिखती नहीं है। बाकी मैं सोच रही हूँ कि एक दिन टाइम निकाल के ना मुझे अलमारी क्लीन करनी है, जो अलमारी में डब्बे अब्बे रखे ना स्टील के, उन पे बहुत डस्ट है, बट इस टाइम पे ना डस्ट का ही काम चल रहा है पूरे घर में। दैट्स वाई सोचती हूँ पर कर नहीं रही हूँ, कि कोई फ़ायदा नहीं है। मैं सोच रही हूँ कि जब ये सारा काम हो जाएगा ना, पेंटिंग मतलब हाँ पेंट वगैरह हो जाएगा, उसके बाद मैं ज़रूर करूँगी। सो यहाँ पे मैंने सारे कपड़े तय करके रख दिए हैं, जो गंदे थे उनको अलग रख दिया है ताकि मैं उनको धुल पाऊँ। और अब मैं यहाँ पे बर्तन खाली कर रही हूँ, क्योंकि दोपहर में सबने खाना खा लिया था, थोड़ा थोड़ा दाल चावल रखा था, तो मैंने मिशिका को आवाज़ लगाई कि तू खाएगी तो खा ले, तो वो बोली हाँ मम्मा मैं खाऊँगी, तो मैंने उसको ही दाल चावल दे देने हैं और थोड़े से ही रखे थे। तो ये देखो मैं उसे आवाज़ लगा रही हूँ, और दोनों साइड में ना मैंने एक साइड में चाय चढ़ा दी और एक साइड में मैंने दूध गर्म करने के लिए रख दिया है। और कभी कभी ना यहाँ का दूध ऐसा है कि कभी कभी बहुत अच्छा आता है, कभी कभी बहुत पतला आता है, तो मेरे से चाय भी बहुत स्ट्रांग हो गई थी, बिकॉज़ मैंने दूध उस हिसाब से लिया कि अच्छा दूध होगा बट नहीं। एंड मिशिका को डांट रही थी कि मिशिका तुम जान के ऐसे कपड़े पहनती हो, तुम्हारा पूरा पेट दिख रहा है, तो कह रही अब तो नहीं दिख रहा, अंदर कर रही थी वो तो मैं उसको हंस रही थी उसके ऊपर। जी यहाँ पे मैंने उसे दाल चावल दे दिए और ये बर्तन खाली भी हो गए हैं। सो बस अब मैं इन लोगों को चाय दे दूँ और फिर मैं फ्री हूँ, अपना बर्तन वगैरह धोती रहूँगी। तो ये जो घर के काम है ना, वैसे तो मैं बता दूँ कि कभी ख़त्म नहीं होते हैं, और अगर आप अकेले हो ना तो आप चाहे कितने भी काम कर लो, वही होता है कि आपको करना ही पड़ता है, और चाहे बाद में करो चाहे पहले। तो मैं जब पापा रहेंगे तो फिर मैं पहले कर लेती हूँ, मुझे अच्छा नहीं लगता कि वो कहें बताओ घर में बहू भी है फिर भी सारा काम पड़ा हुआ है, बट अभी नहीं है तो मन का धन कर रही हूँ और क्या ना होने के फायदे ना। चलो ठीक है कोई बात नहीं, होता है कभी कभी, आप लोग समझोगे मेरी बात को कि ऐसा क्यों होता है। बिकॉज मैं यहाँ आती हूँ तो मैं ब्लॉगिंग बिल्कुल कम कर देती हूँ क्योंकि टाइम ही नहीं मिलता, लेकिन अभी जैसे पापा 2 दिन के लिए गए हैं तो अभी आपको कंटिन्यू कल और आज का ब्लॉग देखो टाइम पे मिल रहा है, तो वही होता है क्योंकि एडिटिंग वगैरह नहीं हो पाती ना, जैसे बना भी लिया ना ब्लॉग तो एडिटिंग नहीं हो पाती, दिन भर ब्लॉग बनाया, शाम के टाइम आप फ्री नहीं हो पाते हो, शाम के टाइम खाना वाना का पड़ जाता है, और इवन यहाँ पे तो पता है क्या है, दिन भर मजदूर लगे रहते हैं ना, तो मैं जो बर्तन है ना 7-8 बजे ही धोती हूँ, क्योंकि फिर वहाँ पे मतलब तभी जगह खाली रहती है। यहाँ पे देखो ना मैंने पूरे बर्तन खाली कर लिए, क्योंकि मुझे सारे बर्तन इसी तसले में रख देने हैं, और क्योंकि क्या होता है ना सब बाहर समेट के लिए जाती हूँ। ये देखो बढ़िया समेट दिए हैं मैंने बर्तन, अब चलो अपने काम की ओर बढ़ते हैं। चाय तो मैं दे के आई गई हूँ, मेरी चाय रखी है बस, सुबह मेरी चाय पीऊँगी। तो चलिए हम अपनी चाय को एंजॉय करते हैं, एंड आई रियली होप कि आपको ब्लॉग पसंद आएगा, ज़रूर लाइक कीजिएगा। सो गाइज मैंने चाय दे दी हूँ दिया लोगों को, और मंस का दूध गर्म कर रही हूँ मैं, क्योंकि अब शाम का टाइम होने वाला है और मैं बस क्या करूँगी, बर्तन धोऊँगी और अपनी चाय पीऊँगी। अच्छा ये जो कप है ना कि मैं यहीं से लाई हूँ दमू से, एंड ऑनलाइन में ही मंगाए हैं, बट सीरियसली गाइस कप बहुत अच्छे हैं, मतलब बहुत अच्छे हैं, बट इनकी जो क्वालिटी है वो अच्छी नहीं है, क्योंकि जैसे ही आया और जस्ट ऐसे ही हल्का सा गिरा टूट गया, हल्का सा गिरा था, एंड ये जितने भी कप हैं इनमें सब में अपने आप दरार आ रही है, या तो गर्म चाय से या डोंट नो कैसे, बट अगर मैं लुक वाइज बात करूँ बहुत अच्छा है। एंड मैं पापा के लिए जब भी मैं कप लाती हूँ तो मैं पापा के लिए एक स्पेशल कप लाती हूँ, जैसे बोल सकते हो आप कि एक होता है ना मास्टर पीस जैसे बोलते हैं, मैं हमेशा उनके लिए लाती हूँ, कुछ भी इस घर में आता है ना, और अगर वो मतलब ऐसा कुछ यूज़ वाली चीज़ होती है जो पापा भी यूज़ करते हैं, तो फिर वो एक मास्टरपीस की तरह आता है। जैसे कि एक इनका मेरे पापा जी का एक कप जो कि मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए। सो मैं इस कप की बात कर रही हूँ, ये कप है मेरे पापा जी का, और मैं इसी में पापा को चाय देती हूँ, और इसी में ही उनको मैं दूध वगैरह देती हूँ जब मैं नाइट में उनको दूध देती हूँ तो। एंड मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मैं उनके लिए ऐसा कुछ लेती हूँ, और इसके साथ ना मैंने एक सेट लिया है कप का छोटा, इस बिल्कुल सेम टू सेम कप है,
बस उनका पीस इतना है और ये लुक वाइज पूरा ऐसा है, तो ये पापा के लिए मैंने ऐसे लिया था बिकॉज पापा शुगर फ्री चाय पीते हैं, दैट्स वाई थोड़ा अलग भी हो जाता है और वो अच्छा भी लगता है। अच्छा सो दूध भी पक गया है और अभी जस्ट पापा का फोन आया था कि जो विंडो मतलब खिड़की लगवाई है ना जिन लोगों से, तो वो खिड़की बन गई है और शायद एक पीस बना है अभी, तो उनका था कि आप एक बार जाके आके देख लो। तो पापा ने बोला मैं तो सागर में हूँ, तो बोले अगर ऐसा कोई हो जो इसको आपको दिखाना हो तो आप भेज दो। तो फिर पापा ने बोला नहीं मेरा बेटा तो है ही, जिसने पसंद किया है तो मैं उसको भेजता हूँ। तो अभी पापा का फोन आया कि निक्की तुम चले जाओ, मतलब इनका नाम ना निकनेम निक्की है, तो तुम जाओ और देख के आओ कैसी क्या बनी है। तो अभी गए हैं ये देखते हैं कैसा क्या है। चाय अच्छी नहीं लग रही, अभी मुझे क्या क्या करना है, अभी मुझे देखो झाड़ू लगानी है घर में एंड बर्तन तो मैंने खाली कर लिए हैं, तो बर्तन खाली हो गए हैं और बर्तन धोने हैं। फिर मुझे याद से, क्योंकि पापा रहते हैं तो मुझे याद नहीं रखना पड़ता था, तो दूध मंगाना है और बर्तन धोने हैं, दूध मंगाना है, फिर खाना बनाना है। यहाँ की ना मेरी अपने आप आवाज़ बहुत कम कम निकलती है क्योंकि मेरे को वो एक रहता है कि पापा हैं, बट है नहीं आज, तो मैं आराम से खुल के बोल सकती हूँ, बट वो अच्छा है। मैं यहाँ जब आती हूँ तो मेरी जो आवाज वो काफी दब जाती है, बट जब मैं बहुत गुस्सा होती हूँ, लाइक बच्चों के ऊपर गुस्सा आ जाए या इनके ऊपर गुस्सा आ जाए, तो फिर नहीं देखती मैं कौन है कौन नहीं, मैं चिल्ला ही देती हूँ टैग। भर भर की चूड़ी पहनी रहती हूँ यहाँ पे ना, कभी अजीब नहीं लगता। और ऐसे ही अगर मैं इंदौर में हूँ, पता नहीं क्यों मुझे इतना अजीब लगता है कि क्या बताऊँ, जब मैं यहाँ आती हूँ तो मैं कितनी भी तैयार लाइक अभी मेरे फेस पे सब कुछ है, लेसेस तक हैं, बट मुझे बिल्कुल अजीब नहीं लग रहा है। और अगर यही इंदौर में होता ना तो मुझे लगता कब रिमूव कर लूँ, कब रिमूव कर लूँ, कब रिमूव कर लूँ। मैं सोच रही हूँ साड़ी चेंज कर लेती हूँ और फिर लेती हूँ। अच्छा मैं आप लोगों को आज अपना पूरा किचन का लुक दिखाने वाली हूँ बिकॉज किचन हमारी पूरी कंप्लीट हो चुकी है नीचे से ऊपर तक, बस अब वो एक होता ना फाइनल टच उसमें जाना है। और आज तो सेकंड कोटिंग हो रही है पूरे घर में पुट्टी की, सो एक साइड वो लोग कोटिंग करते जा रहे हैं और एक साइड वो घिसना नहीं पड़ता है ताकि फिनिशिंग आए, तो फिनिशिंग दे रहे हैं, तो पूरे घर में ना सिर्फ वाइट वाइट उड़ रहा है। तो मैंने मंच को तो यहाँ से भेज दिया है, मैं आपको दिखाती हूँ देखो कैसा हो रहा है। पैर दिख रहा है आपको, मैं यहाँ से अभी चाय देने गई थी ना, आप देख सकते हैं कि कैसा हो रहा है, पूरे घर में ये हो रहा है। और अभी यहाँ का गेट लगा हुआ है, ये देखो उस रूम का भी लगा फिर भी हो रहा है। तो मैं कर लेती हूँ काम, अब मैं झाड़ू बाद में लगाऊंगी, पहले मैं ये लेंस और ये लेसेस निकाल लेती हूँ फिर लगाती हूँ।